कहिए कैसे हैं आप। बात कल शाम की है। कल शाम को मैं मार्केट से लौट रही थी तो मेरे आगे एक साइकिल वाला जा रहा था। अचानक उस साइकिल वाले का एक फोन बजा मोबाइल, तो उसने क्या किया, अपनी साइकिल रोकी, साइकिल से उतरा, फोन अटेंड किया और बोला कि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करना। फोन कट किया, फोन को जेब में डाला और साइकिल चला के ले लिया। ये होते हैं रूल्स। और हम क्या कर रहे हैं, आप घर से बाहर मार्केट तक निकल जाइए। आप निकलिए, देखिए, आप छोटा, चाहे यूथ है, छोटा बच्चा है, वो भी अगर स्कूटर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो फोन पे लगे हुए हैं आप। मतलब इतना इंपॉर्टेंट फोन है कि आप उसको मिस नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं तो आप एक सेकंड के लिए रुक जाइए ना, एक सेकंड लगा लीजिए उसको, गाड़ी को एक किनारे पे, और आराम से बात कीजिए, आधा घंटा कीजिए जाए, कोई दिक्कत नहीं। पर गाड़ी चलाते वक्त आप अपना नुकसान भी कर रहे हैं और दूसरे का। बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, मार्केट में ही होता है, नेशनल हाईवे पे ये हाल है। अभी 2-4 दिन पहले ही हम लौटे हैं तो मैंने देखा, मैंने ये महसूस किया कि बहुत लोग, मतलब हाथ में मोबाइल होता है, कितनी बार एक्सीडेंट होते होते बजाय इस इंसिडेंट को देखते हुए। पर लोग सोचते नहीं है, पता नहीं सोचना नहीं चाहते, या उनको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, या वो चाहते हैं कि कुछ थ्रिल हो लाइफ में, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। जबकि पता क्या होता है कि हम ट्रैफिक रूल्स को अगर ओबे भी कर रहे हैं ना, तो हम उसको ओबे करके और अपनी सोल्यूशन देके हम सुर्खियों में भी आ सकते हैं। हुआ ये कि मैं नेट पे सर्च कर रही थी और मैंने ये देखा कि एक आदमी ने, पूना के हैं वो, और उन्होंने ट्रैफिक रूल्स को और बेहतर कैसे बनाया जाए ये जानने के लिए उन्होंने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा, और जो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं उनको एक लेटर भी लिखा, और वो लेटर सुर्खियां बना, बिल्कुल मतलब ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन बना कि उन्होंने अपनी सजेशंस दिए कि किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें, मतलब जब हम गाड़ी चला रहे हैं, या क्या चीजें हो जिससे इन चीजों को अवॉइड किया जा सकता है, एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता है। कुछ अच्छी क्रिएटिव उन्होंने सजेशंस भी दी, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने क्या किया। पूना के हैं ये, उन्होंने जानबूझ के ट्रैफिक रूल्स तोड़े, ये जानने के लिए कि सीसीटीवी चल रहा है कि नहीं, जो जब रूल्स तोड़े उसके बाद उनके पास एक लेटर आ गया है कि आपने रूल तोड़ा है और आपको इतना फाइन है। उन्होंने फाइन नहीं दिया तो उनके ऊपर कोई फॉलो अप भी नहीं हुआ, यानी कुछ भी नहीं हुआ, यानी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्होंने ये सब चीजें देख के, ध्यान रख के, एक केंद्रीय परिवहन मंत्री को एक लेटर लिखा, उसमें उन्होंने सारा बताया कि क्या क्या हमें करना चाहिए। जैसे सीसीटीवी कैमरा है तो इसके लिए ठेकेदारी पे इसको दे देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को, ये चीजें ठीक तरह चलनी चाहिए, और भी बेशुमार सजेशंस थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें ना सिर्फ रूल्स को फॉलो करना चाहिए बल्कि समय समय पर अपनी सजेशंस भी देते रहने चाहिए। वैसे ना इसी बारे में एक सर्वे भी पढ़ा मैंने, उसमें ये था कि 97% लोग डरते हैं। किस बात से डरते हैं, कि जैसे मान लीजिए मैं किसी गाड़ी में जा रही हूँ और जो ड्राइव कर रहा है वो फोन कर रहा है तो डर लग रहा है। ऐसे 97% लोग डरते हैं कि भाई ये सही सही चला ले, अब ये फोन कर रहा है, इसका दिमाग कहाँ होगा, इसका ध्यान कहाँ होगा। और 47% लोग ये मानते हैं कि हाँ, हम गाड़ी चलाते वक्त या व्हीकल चलाते वक्त फोन पे बात करते हैं। अब देख लीजिए किसका नुकसान है, कितना नुकसान है। क्या वाकई में हमें ये रूल्स को डिसओबे करना चाहिए? क्या वाकई में हमें जो बोर्ड्स लगे होते हैं कि मोबाइल का यूज नहीं कीजिए और घर पे आपका कोई इंतजार कर रहा है, क्या वाकई में ये चीजें जरूरी हैं, या हमें कम्प्लीटली इनको डिसओबे करना चाहिए? यह हमारे हाथ में। तो आज किसी विचार के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ, जरूर सोचिएगा इस बारे में। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल भी रखिए, पॉजिटिव रहिए, और कोशिश ये कीजिए कि वाहन चलाते वक्त, कोई भी वाहन आप चला रहे हैं, फोन पे बात नहीं करनी। 1 मिनट 2 मिनट की बात है, साइड पे लगा लीजिए, बात कीजिए, बस हो गया। ठीक, बाय।